तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जन्मस्थली पर मत्था टेका है। ऐसे में 24 फरवरी को रविदास जयंती के रूप में यह मनाया जाएगा और निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसे में यह मौका बेहद खास है। वैसे बात कर लें इस स्थल की तो आस्था के साथ साथ सियासत का भी प्रमुख केंद्र है, लेकिन जो रैदासी उमड़े हैं वो इस स्थल के लिए काफ़ी आशावान रहते हैं, काफ़ी समर्पित रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। सरा जी कहाँ से हैं आप? हम हुशियारपुर से। हुशियारपुर से। अच्छा, कितनी खुशी है, रविदास जी का जयंती भी मनाई जा रही है और कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर आए थे, क्या कहेंगे इस अवसर को लेकर? बात ऐसा है कि जिसकी जिस वजह से हम आते हैं, ये वाला है सिरमौर, सिरमौर है ये, इधर इधर हमारा सिर झुकता है जी, बिल्कुल ठीक है ना, इसीलिए हम इधर आते हैं। हमारी जान है, जिसने जीवन दान दिया है बेसहारा को, कौन थे वो? सतगुरु रविदास पातशाह महाराज, एक मन्नी परमन्नी परमात्मा का रूप है। कोई मन्ने तो चाहे उसको, कोई ना मन्ने, पर हम मानते हैं। हम अकेले नहीं मानते, पूरे इंडिया से, सभी स्टेटों से एकदम सटीक हम उसके अनुयायी हैं। वो साडा गुरु है, वो साडा रहबर है, वो साड़ी हमारी हरेक शक्ति है। बाकी शक्तियां तो ये चलती बिल्कुल बिल्कुल एकता के धागे में बांधा था गुरुजी ने। एक सवाल यहां पर ये भी है कि इस स्थल को अब एक नया स्वरूप मिल रहा है। आपने देखा होगा पीछे कॉरिडोर बन रहा है, मूर्ति का अनावरण भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो लगता है कि अब इसे एक और भव्य स्वरूप मिल रहा है। भाई बात ऐसा है कि अच्छा है ना, फिर अच्छा ही है बिल्कुल। हम तो आना है 2-4 दिन 5 दिन रहना, चले जाना, तो बाकी तो आपने ही बरतना है उसको। 24 घंटे आपकी गाड़ी चलनी, आपने इधर आना जाना, हम तो आना कहते साल में बिल्कुल एक बार इकट्ठे होते हैं। कितनी खुशी है सरदार जी आज? बहुत ज्यादा खुशी है जी, खुशी है जयंती का भी अनावरण हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी है जी। कहाँ से आए हैं? जिला भिंडा जी। पंजाब से। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं और इस मौके पर खास तौर पर एक बड़ी संख्या उनकी होती है। आज की बात कर ले तो कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी मत्था टेका है। आप कहाँ से हैं जी? आप कहाँ से हैं? किस? पंजाब से हैं। पंजाब से हैं, यहाँ पर आए, कितनी खुशी है, मौका भी बेहद खास है। खुशी भी है जी, पाबंदी बहुत है, ना इधर से जा सकता ना उधर से जा सकता। हाँ, 2 घंटे घूमते रहे निश्चित तौर पर, तो सही बात है। इसके अलावा आपने यहाँ पहली बार आप आ रहे हैं कि इससे पहले भी आप आ चुके हैं? पांचवी बार आ रहे हैं। यहाँ का जो स्थल है पहले से आप देख रहे हैं, बदला हुआ नजर आ रहा है? बदला हुआ है। कॉरिडोर भी शुभारंभ हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बना हुआ है। ऐसे में आप भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं कि आम दिनों की तुलना में बड़ी संख्या में जो रैदासी हैं वो उड़े हैं। माता जी कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से हैं भैया। पंजाब से। कितनी खुशी है, आपके जो गुरु जी है उनका विशेष पर्व भी मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी का कोटन धन्यवाद करती हूँ कि सारी संगत जो है पंजाब से ही नहीं वर्ल्ड से जो दुनिया है वो यहाँ अपने गुरु जी की गुरु जयंती मनाने के लिए सब पहुँचे हैं। सब संगत को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो निश्चित तौर पर आज का मौका जो है वो बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संत रविदास जन्मस्थली पर कुछ ही देर पहले पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो रैदासी हैं वो उमड़े हैं। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।